वैशाली पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों को वैशाली जिले के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही महुआ थाना क्षेत्र स्थित घटित डकैती की घटना का भी सफल उद्भेदन किया गया, जिसकी पुष्टि वैशाली के SP श्री हर किशोर राय ने किया है। थाना क्षेत्र में 16 मार्च को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि घर में कुछ अपराधकर्मी घुस करके कुछ पैसा इत्यादि छीन के लेके गए थे और एक मोबाइल भी छीन के लेके गए थे। तो उसी में DIU की टीम को लगाया गया था, महुआ थाना तथा अन्य कुछ पुलिस पदाधिकारी को लगाया गया था। उनके द्वारा केस का डिटेक्शन के लिए प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई कि उस घटना में शामिल कुछ अपराधकर्मी भगवानपुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर मलंग गांव के पास एकत्रित हुए, तो उसमें भगवानपुर थाना अध्यक्ष को भी इन्वॉल्व करते हुए छापेमारी किया गया, जिसमें कि छापेमारी के क्रम में कुल 5 व्यक्तियों को वहां से अरेस्ट करने में सफलता हासिल की गई। उनके पास से 2 देसी कट्टा 5 गोली बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में इसमें से 2 अपराधियों ने महुआ थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उन लोग से पूछताछ तथा निशानदेही पर उस घटना में लूटी गई मोबाइल को भी बरामद किया गया है और मामले का पूरी तरह से उद्भेदन हुआ है। इसमें पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि उस घटना में कुल 7 अपराधकर्मी शामिल थे। 7 में से 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है और उसके अलावा 1 अपराधकर्मी के बारे में पता चला है कि वो ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही समस्तीपुर जेल में वहाँ कोर्ट में सरेंडर करके समस्तीपुर जेल में बंद है। अन्य 4 अपराधकर्मी हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में कुल 5 अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके उसमें से एक राकेश कुमार है, उसका पूर्व से राकेश कुमार और विपिन सिंह का पूर्व से अपराधिक इतिहास पाया गया है, जिसमें से कि विपिन सिंह है शराब के मामले में भी जेल जा चुका है और एक ये महुआ वाले कांड में अभियुक्त है। राकेश कुमार है वो पहले NDPS के केसेस में जेल जा चुका है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, एक गैंग का भी डिटेक्शन हुआ है। इसके अलावा पूछताछ के काम में यह भी पता चला है कि इसमें से 2 अपराधकर्मी जो थे निरंतक सिंह अभी वो जो कुख्यात अपराधी जेल में बंद है उससे भी जुड़े हुए लोग हैं और हथियार का इधर उधर लेन देन और खरीद फरोख्त भी करते हैं। तो उस तरह से उसका भी नेटवर्क तोड़ने में सफलता हासिल की गई है और वैशाली पुलिस लगातार अपराधियों पे दबिश दी हुई है और जिसके माध्यम से 5 अभियुक्त गिरफ्तार होकर के जेल जाए। तो सर बरामद की क्या क्या अपराधी कमजोर हुए? 2 देसी कट्टा बरामद हुआ है, 3 .315 की गोली और 2 पिस्टल की गोली बरामद की गई है। इसके अलावा जो महुआ थाना में सेल जो लूटा गया मोबाइल था वो बरामद किया गया है। इसके अलावा इन अभियुक्तों का मोबाइल है जो कि बरामद किया गया।